राम राम दोस्तों, स्वागत है संकल्प के सीईटी बैच में आप सभी का। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। देखिए आज का जो प्रश्न है हमारा, उससे पहले कुछ प्राथमिकताएं देख लीजिए। सीईटी का ऑनलाइन बैच प्रारंभ है, सीईटी का ऑफलाइन प्लस टू ग्रेजुएशन का भी ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो रखा है। मार्केट के अंदर ये बुक भी परचेज है, जो आप ले सकते हो भाई। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है आज, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा गया था भाई पिछली बार। सीटी के एग्जाम का प्रश्न है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर आने वाला है। अन्नाई मूडी है, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सी पर्वत चोटी कहां है भाई, कौन से पर्वत में है। देखिए इस चीज की खूब सारी जानकारियां यदि आपको हासिल करनी है तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन बैच से जुड़िए, आपको खूब सारा आनंद भी आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, चीजें याद भी करवाई जाती है क्लासों के अंदर। यदि ऐसा नहीं है तो ऑनलाइन बैच भी आप परचेज कर सकते हैं भाई। ऑनलाइन के अंदर सेम वही बातें, लेकिन आप स्टूडियो से लाइव आपके सामने रूबरू रहेंगे, जैसे अभी आपके सामने हम बातें कर रहे हैं, सेम इसी प्रकार ही आपके लाइव जो डाउट होंगे वो लाइव में ही क्लियर किए जाएंगे भाई। यहाँ केवल हम लोग इन प्रश्नों के ऊपर ही जिक्र कर पा रहे हैं भाई। यहाँ पूछा गया पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, ये पूछा गया, तो आपको तो ये पता होना चाहिए भाई कि ये जो अन्नाई मुड़ी है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में दोदा बेटा स्थित है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में स्थित है। अब देखिए इतनी बात जानकारी होती है, गुरु शिखर अरावली में स्थित है, आंसर तो आ गया। इससे देख नहीं, पूर्वी घाट का तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, आंसर तो यही मिल गया भाई, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की है। यदि ये प्रश्न नहीं होता इस प्रकार से होता, पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में सजाइए, तो अवरोही क्रम में इनकी ऊंचाइयां पता होनी चाहिए। फिर अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी की ऊंचाई है 2697 मीटर देखने को मिलती है भाई, 2697 मीटर। दोदा बेटा 2637 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है दोदा बेटा की। महेंद्रगिरी की ऊंचाई देखने को मिलती है 1501 मीटर में, महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर में है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1522 मीटर या 27 मीटर में देखने को मिलती है भाई, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, नीलगिरी की दोदा बेटा, अन्नामलाई की अन्नाई मुड़ी, ये सर्वोच्च शिखर है भाई। यहाँ के अन्नाई मुड़ी जो है वो अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर है, ये बात भी कन्फर्म रखे हम, ध्यान रखे। इसके अलावा देखिए अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है, यह बात भी हम ध्यान में रखें भाई। कहां की सर्वोच्च चोटी है, यह दक्षिण भारत की भी है, प्रायद्वीपीय भारत की भी है, प्रायद्वीपीय पठार जो पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई की तो है ही है, लेकिन दक्षिण भारत की भी है। दोदा बेटा के बारे में देखिए, दोदा बेटा जो नीलगिरी के सर्वोच्च शिखर है, ये दोदा बेटा जो पर्वत चोटी है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत या पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च नहीं बोल सकते, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब भी आंसर किस पर आएगा हमारा, दोदा बेटा पर रहेगा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, और दोदा बेटा दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भाई, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहेगी। अन्नाई मुड़ी अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ये
इसके अलावा गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है और गुरु शिखर मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसके अलावा अन्य बातें मैं यह नोट लगाकर लिख रहा हूं जो आप ध्यान में रखोगे भाई, जैसे गौर करना, शिलोंग के पठार की ऊंची चोटी, शिलोंग पठार की सर्वोच्च चोटी, शिलोंग पठार की सर्वोच्च चोटी यदि पूछी जाए तो आंसर देंगे शिलोंग, शिलोंग। और यदि हमारे से पूछा जा रहा है छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, छोटे नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी, छोटे नागपुर की सर्वोच्च चोटी, तो आंसर देंगे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। यदि हमारे से पूछा जाता है विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी, विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी सद्भावना, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी सद्भावना, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो आंसर देना है धूपगढ़, धूपगढ़। पूर्वोत्तर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, पूर्वोत्तर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, पूर्वोत्तर हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आंसर देना है सारामती, सारामती। यदि हमारे से पूछा जा रहा है हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो आंसर देना है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो खूब सारे प्रश्न यहां से हम निकाल कर हम बता पाते हैं भाई। तो जितने विद्यार्थी है कमेंट में जरूर बताइए कि किस प्रकार का ये प्रश्न लगा, सुझाव अपना जरूर देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।